एट एक्स पावर माइनस सेवन वाई पावर एटीन थ्री अपॉन फोर, ठीक है। अब इसको देख ले, हमने सिर्फ इसको जजर में लिखना है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। एट एक्स पावर माइनस थ्री वाई पावर एटीन, ठीक है ना, ये जो फोर है ये असल में जजर है, ठीक है ना। तो ये जो तीन है इसको हम अलग करेंगे इस तरह, देखें इस तरह अलग करेंगे, ठीक है ना, समझ गए। अब एट एक्स माइनस तीन पावर क्या थ्री होल पावर थ्री एक बटा चार वन अपॉइंट फोर, ये क्या हो जाएगा, ये रेडिकल की सूरत में तब्दील होगा, यहाँ पर जो कुछ हो वन अपॉन ये यहाँ पर आ जाए, क्लियर। हाँ ये माइनस थ्री इधर, ये देखे माइनस सेवन, ये माइनस, ठीक है ना, क्लियर। अगला देख ले, 32 को आप देख ले, दूसरा पार्ट। चलो मैं हल लिख लेता हूँ, 32 रेज टू द पावर 0.6 कितना है 0.6। अब इसको ज़रा देख लें इसका मतलब क्या है, देखिए 32 रेज टू द पावर 0.6 इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से अगर इसको मैं 1 को खत्म, जो डेसिमल पॉइंट इसको ख़त्म कर, यहाँ पर क्या लगाए एक लगाए, फिर यहाँ पर कितना है 1 डिजिट है ना, तो एक सिफर इजाफा कर लें, बस समझ में आ गया, जो डिजिट है उसको ख़त्म कर ले, नीचे एक लगाया और जितना नंबर ऑफ डिजिट्स है उतना ही आपने नीचे ज़ीरो लगाना है, तो चूंकि एक है तो लिहाजा एक ज़ीरो आ गया, क्लियर है तक। ये 32 32 अब क्या होगा, 6 यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 6 अपॉन 10 इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा, देखिए 3 टू ज़ा 6 3 5 ज़ा, ठीक है ना, 3 दूनी 6 5 दूनी, यानी हमने क्या किया इसको 2 पर दोनों को तकसीम किया, ठीक है ना, समझ गए ना, क्लियर। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख लिया। अब बिल्कुल उसी तरह इसको अलग करना है, 32 की ताकत क्या 3 अलग, फिर ये 1/5 अलग, ये जो 1/5 है फिर इसको हम क्या करेंगे जजर की सूरत में लिखेंगे, ये देखें 32 ये सॉरी 32 की पावर क्या 3, ये वाला इधर आएगा ये वाला इधर, तो ये हमारा आंसर है।